जाइए स्विच ऑफ है। हाँ एयरपोर्ट एयरपोर्ट मोड में है। ठीक है सर चेक करते हो। सर एक मिनट सर करते हैं। ग्रेजुएशन कब करा? 2013 में सर। स्टार्ट किया राजेश? हाँ हाँ ग्रेजुएशन 2013। ग्रेजुएशन कभी से? एग्रीकल्चर। ठीक है। ऑप्शनल? ज्योग्राफी सर। अभी क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट किया है कंपनी में और एक बड़े कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। आपका लाइफ स्टाइल मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर वाला हो गया होगा। कहाँ आप बाढ़ सूखा पिछले भी क्षेत्र में आ रहे हैं? बेंगलोर में काम करने वाला मुंबई में काम करने वाला कहाँ मतलब क्या सोच के आ रहे हैं? तो आप अच्छा काम कर रहे थे। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, कृषि का विकास ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रशासन में कहाँ आप फंस रहे हैं? बिहार के विकास विशेष कृषि के विकास में ये जो आपने डिग्री ली है उसको कैसे आप उपयोग करेंगे? जो आपका कैसा कौन सा न्यू विजन होगा जिससे बिहार में किसी क्षेत्र में क्रांति आए? सबसे पहले तो सर वैल्यू एडिशन लाएंगे की तरफ हमारा बिहार के लिए चलते हैं वो सब चीज का फार्मिंग पे डिपेंड करता है। उसको कैसे सर एक्सपोर्ट के रूप में वैल्यू एडिशन के रूप में बनाए वो सर दूसरा सर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का बिहार में सर इसको हो जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जा रहा है हम उसको भी कर सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप पॉलिसी मेकर थोड़ी है, आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। तो इम्प्लीमेंट करने में आप कहाँ अपने आइडिया को यूज करें वो बताइए। जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग गंगा की गोद में किया जाए 15 डिस्ट्रिक्ट के साथ। उस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत अच्छा प्रोग्राम वहां पर अपना इनपुट दे ऑर्गेनिक फार्मिंग का वहां कह रहे हैं कि कल जिस तरह वहां पे जो कृषि विज्ञान केंद्र रहेगा तो मैं समझ रहा हूं। अच्छा ये बताइए गंगा कॉरिडोर में कहां कितना डिस्ट्रिक्ट? सर मैं ठीक से नहीं आ नहीं सर कैसे कर सकता यार 15 डिस्ट्रिक्ट जो तो लीची का सर हम प्रोसेसिंग करके जूस इंडस्ट्री बना सकते हैं और उससे सर तो अभी हो रहा है। हाँ हो रहा है अभी बड़े क्लस्टर में बना हुआ है मुजफ्फरपुर में।
आप उसमें नहीं क्या रहा है वो बताते हैं हम उसके प्रोडक्ट को बना जैसे आप नया क्या करिए क्रांति क्या आप नया नहीं मिलेगा और एक है सर आपको
इसका विजन चाइना की तरफ नहीं है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रीजन में सागरों वर्षा होती है तो वहाँ सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का है? फायदा तो आपको देख रहे हैं हॉटस्पॉट बन रहा है, लेकिन वो क्षेत्र काफी नुकसान भी सकता है बीमारी अच्छा, जब आप ग्लोब पर देखते हैं तो मानचित्र पर देखते हैं वो और ग्लोब पर देखते हैं जैसे कि इंडिया का मैप देखते हैं उसमें इंडिया के मैप के नीचे में श्रीलंका का फोटो हर्ष कर रहा है, श्रीलंका का फोटो हर्ष कर रहा है क्यों? जो महाद्वीपों का जब विभाजन हुआ बिहार की मिट्टी का वर्गीकरण बता सकते हैं कैसे कैसे तरह से लेकर के और गंगा के बीच वाले डिवीजन है जैसे कि हम बात कर रहे हैं मुंगेर डिवीजन यहाँ पे बहुत सुंदर हाजीपुर में बहुत सुंदर पाया जाता है, हाजीपुर में तो पोले डिवीजन है, पर सुंदरी मिट्टी में किस तरह के फलों का उत्पादन होता है? जो इनपुट होता है वो सारा ऑर्गेनिक ही इनपुट होगा, इसका मिनिमम पेस्टिसाइड और केमिकल का यूज करते हैं और लाख प्रतिशत इसमें कम पड़ जाता है। जो होते हैं जीरो बेस्ट बजट फार्मिंग का भी यूज करते हैं, ग्रीन सीड का ऑर्गेनिक सीड का जीवर सीड का। अच्छा सेटिस्फाइड आप नहीं कर पाए कौन से व्यक्ति है जो नाम कर दिया?
एक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ काफी दिनों से चर्चा में फूड सिक्योरिटी को हम लोग फंडामेंटल राइट में लोग चाहते हैं कि होना चाहिए, फंडामेंटल राइट फूड सिक्योरिटी लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन हम नहीं उसको शामिल कर पा रहे हैं, क्या क्या कारण है? फूड सिक्योरिटी को उसको ऐसे सर फंडामेंटल राइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि फूड सर बेसिक नीड होता है किसी भी आदमी। बाधाएं क्या क्या बाधाएं सर शामिल करने में? हाँ कोई भी चीज को फंडामेंटल राइट में शामिल करने के लिए सर हमको अमेंडमेंट चाहिए, निश्चित तौर से कुछ बाधाएं हैं, तो सरकार को कर ही देती है अमेंडमेंट। जी सर, आपको दिक्कत तो है नहीं, टेक्निकल बाधाएं क्या क्या है ये प्रश्न ये है, समझ पाया? नहीं समझ। मतलब सरकार के सामने ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चुनौतियों को छोड़ के, कि वो फूड सिक्योरिटी को फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं कर पाए जबकि इसकी मांग बहुत दिनों से हो रही है? फूड सिक्योरिटी होता क्या है? फूड सिक्योरिटी होता है कि अगर हम सभी जगह अफोर्डेबल रेट में फूड को मिलना, एक्सेसिबल होना हर आदमी को, लास्ट आदमी को मिल जाना। उसके लिए सरकार अभी कौन सी स्कीम चला रही है जिससे कि गरीब लोगों को खाना मिल पा रहा है? वो तो सर एक मीडियम मील स्कीम चला रही है स्कूलों में। हाँ, एक सर चला रही है आपको पीडीएस सिस्टम, पीडीएस ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस सिस्टम में एक नया वर्ड आया था, टारगेटेड पीडीएस। ये न्यू वर्ड है सर, ये टेक्नोलॉजी का एक गली थोड़ा इनोवेटिव फॉर्म में, कि हम कहीं पे भी रहें तो ऑटोमेटिक सर वो राशन कार्ड बायोमेट्रिक के हिसाब से इसमें एक अकाउंट मेथड दिया है। टॉकिंग अबाउट टारगेटेड पीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। हां, अभी सर डिफॉल्ट इसमें एक अकाउंट मेथड दिया है, उसके आधार पर यहां पे कार्ड बनता है। एक डिटेल देखना है, हेड काउंट मेथड की जो थ्योरी है किसके खिलाफ है? बताऊं, हेड काउंट मेथड से हुआ था येलो कार्ड ग्रीन कार्ड जो है, तो किसके खिलाफ? अच्छा, किसान आंदोलन का भारत में एक लंबा इतिहास है, आजादी से पहले भी होता है। मैंने तो मान लीजिए कि अंग्रेज हो सकते हैं, किसानों पर अत्याचार करते थे, इस कारण से किसान आंदोलन। आज कौन सी समस्या है इस कारण लगातार किसान आंदोलन होते रहे? ज्योग्राफिकल फैक्टर भी है इसमें, जैसे कि खास टॉप कंडीशन फ्लडिंग होने को जाने से किसानों को वो सर मार्केट प्राइस नहीं मिल पाता। थोड़ा इस तक ये भी मानो जो फल क्रॉप जाते हैं एक साल उसका मार्केट प्राइस को मिल जाता है, इसके लिए तो एमएसपी है, सरकार उसका मिनिमम प्राइस दे रही है। एमएसपी सर हर क्रॉप के लिए नहीं, कितने क्रॉप के लिए मिलता है? 23 क्रॉप के लिए एमएसपी सर। अच्छा, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है वर्तमान में, क्या मांग है किसान सर का जो सरकार मान ले रही है? किसान का मेन मांग है सर की जो हमारा जो क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी से लिया जाएगा वो एमएसपी पे दिया जाए, एमएसपी को लीगल कराया जाए। अभी जो एमएसपी सर वो लीगल नहीं हो पाया, तो एसएससी अगर हम कोई क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, नहीं सरकार कोई किसानों के जो कानून थे उसमें संशोधन किया है। जी सर, क्या सब संशोधन किया है? पहला संशोधन था सर कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कर सकते हैं और एपीएमसी के अंदर बाहर में फार्मर जो है वो कोई दूसरे कंपनी के साथ मिलकर आप वहां पे सेलिंग और बाइंग का काम हो सकता है। एपीएमसी का रोल हटा दिया है, अब फार्मर बिना मार्केट के बाहर भी जाके फार्मर किसी कंपनी के साथ कोई भी चीज खरीद सकते हैं। दूसरा सर उन्होंने तो सुधर गया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अगर हम कोई भी सर स्टोरेज करने के लिए पहले की तरह उतना सर लॉ एंड रेगुलेशन नहीं करना पड़ेगा और कोई भी कंपनी हम जो है सर वेयर हाउस में सामान को रख सकती है। ये तो किसानों के लिए बढ़िया है, देश के लिए भी बढ़िया है। किसान आंदोलन सालों भर साल से चल रही है, फिर कैसे किसानों के मन में क्या भ्रांतियां हैं, कैसे समझाएंगे जब प्रशासनिक पदाधिकारी काम करेंगे, किसानों को कैसे समझाएंगे? सर मुझे लगता है सर इसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप का प्रॉब्लम है। आपको डेलीगेट बना के अगर भेजा जाता किसानों के सामने, आप क्या उनको कहते? सबसे पहले तो हम किसानों को ये बताएंगे कि इसमें एमएसपी कहीं नहीं जाने पा रहा है, लोगों का मेन मुद्दा है कि एमएसपी चला जाएगा। पहले तो हम उनको ये यकीन दिखाएंगे एमएसपी कहीं नहीं जाएगा। दूसरा सर सबसे पहले उनको ये बताएंगे कि स्कीम से क्या फायदा होने वाला है, उसका ऐसा एक प्रेजेंटेशन होता है, आप वहाँ पे जाके बात करिए बैठ के,
वहां भी लोगों लीडर्स उनके साथ बात जैसे गवर्नमेंट अभी कर रही है, तो हम सर हर एक फार्मर ग्रुप से अलग अलग बात करेंगे। जैसे अभी दिल्ली बॉर्डर पे एक फार्मर ग्रुप जो मेन ग्रुप है वो कहते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मर, हम सर सारे स्टेट में जाके ये बात को आप बात करिए, रोड टू रोड कैंपेन करिए वहां पे जाके फार्मर्स के साथ, ये आपके लिए स्कीम कितना सही है उनको बताइए कि सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या फायदा हो रहा है, इतना तो समझाया गया है ना जी सर। कि इसमें एक विवाद है जो खालिस्तानी ग्रुप सब था जी, उसका समीक्षा है किसान आंदोलन जी, सही है सर। खालिस्तानी ऐसा वहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं पाया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था कि वो जो सर ट्रैक्टर जो क्या बोलते हैं ट्रैक्टर रैली हुआ, हाँ ट्रैक्टर रैली हुआ था, तो वहाँ पे सर लाल किला के ऊपर में झंडा पड़ाया गया था, लेकिन बाद में वो भी सरकार बोलती कि वो झंडा खालिस्तानी का नहीं था, वो झंडा लग रहा था खालिस्तानी, नहीं लग नहीं रहा था एक्चुअली, उसके साथ प्रधानमंत्री का फोटो था जी जी, हाँ तो इसका मतलब है कि सरकार जान करके फैला रही थी वो चीज, सर प्रधानमंत्री सर फोटो निकल गया जिस दिन आए तब ना सरकार वापस हुई, इसका मतलब सरकार जान के फैला रही थी, नहीं सर नहीं सर फोटो तो सर कोई भी प्रधानमंत्री का, अच्छा खाली आतंकवादी पाकिस्तान सर प्राइम मिनिस्टर आपका कंपनी जिसमें आप काम कर रहे थे उससे जुड़ा एक विवाद गुजरात में पिछले साल हुआ जी, बात क्या था पूरा बताइए। सबसे मॉनसूनो का विवाद था कि सर वहाँ पे ग्लाइफोस्फेट एक केमिकल बीटी कॉटन में लगाया जाता है, उस ग्लाइफोस्फेट में क्या पाया गया कहीं कहीं कि उसको पेस्टिसाइड से छिड़काव करने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, इसी पे फार्मर्स का कहना था कि हमको ये नहीं लगाएंगे और गवर्नमेंट उसको बैन करेगा, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो मुआवजा देने की बात ये नहीं था, विवाद ये था जो उसका जो बीज आता था उसका कुछ कंपनी लोकल जो किसान थे कुछ डीलर थे वो खुद खुदरा में बेच दिए है ना, उसके कारण किसानों पर जो है बहुत बड़ा मानहानि का केस हुआ था, वो हम पूछ रहे हैं आपसे सर। वो एक विवाद पहले से है कि सर एक रॉयल्टी होता है मॉनसेंटो का, अगर हम सपोज के लिए बीटी कॉटन डाल रहे हैं तो जो लोकल से कंपनियां हैं जैसे जैसे माइक्रो एक कंपनी है सर भारत सरकार के साथ, तो वो अगर कंपनी को मॉनसेंटो अपना सीट देती है तो वो सर रॉयल्टी भी देती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सर लोकल कंपनी उसी टाइप का सीट बना रहा है, छोटा मोटा कंपनी उस सीट ऐसा होता है जो स्पोरियस सीट होता है वो मॉनसेंटो के नाम पर ही बन जाता है, जबकि वो सीट में उतना प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं होता है। यूपी का अगर बात करें सर तो यूपी में मॉनसूनो का एक इमेज का वैरायटी है डेकलैप करते हैं, तो बिहार में उसका यहाँ हो सकता है, उसके नाम पे सर बहुत सारे छोटे मोटे कंपनियां वो कर रहे हैं। अब फार्मर्स को लगता है कि मैंने मॉनसूनो का सीट खरीदा है, अब अगर उस सीट में प्रोडक्शन नहीं होता तो फार्मर्स को लगता है कि मॉनसूनो कंपनी पर आरोप लगता है मोनोपोली का, है ना सहमत है सर। सर कोई भी बड़ी कंपनी अगर एक मार्केट में रहेगी और वहां पे अगर कोई और कंपनी इनोवेशन नहीं कर पा रही उतना तो नेचुरली सर वो मोनोपोली है। बीटी कॉटन है ना जी, या बीटी से जुड़ा जो कोई हेड क्लीनिंग से जुड़ा कोई प्रोडक्ट होता है जी, उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू है ना मान्यता मिलता है खेती करने, चैनल का नाम बताइए क्या है। वो है हेड क्लीनिंग इंजीनियर अप्रूव कमेटी होती है, उसका चेयरमैन कौन होते हैं, उसका चेयरमैन सर सेक्रेटरी लेवल पे होते हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है जी। आपका हॉबी क्या है? तो मेरा हॉबी सर मेडिटेशन, आपको प्रशासन में कैसे मदद करेगी सर? मेडिटेशन का सर मेन है कि आपका इंट्रापर्सनल स्किल को अच्छा करता है, कर्म रखता है आपको, क्योंकि प्रशासन में या कहीं भी जॉब करें तो स्ट्रेस तो आता ही है सर, तो वो सर उसको कंट्रोल करने में मदद करता है सर, और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी कहीं ना कहीं से मेडिटेशन करता है। सर मेडिटेशन में स्ट्रांग योग की चर्चा, क्या आपका स्ट्रांग योग है? वही सर ये दम नहीं आ रहा, डिसेप्टिज्म करते हैं जी, जो रूट है इसका स्ट्रांग योग, चले कोई भी योगा जो है वो इंडियन फिलोसफी भी माना जाता है, तो इसके प्रोपाउंडर कौन थे? पतंजलि। तो पतंजलि किस शासक के दरबार में? पतंजलि जो थे कुषाण इसमें, इसके दरबार में थे, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। बिहार में कुछ योगा के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह तो मुंगेर में, क्या नाम है बताइए? नाम नहीं जाना, उसके एक प्रमुख है, उसको कुछ पुरस्कार वगैरह मिला योगा दिवस का मनाया जाता है।
बहुत लंबा चला है क्या सब क्षेत्र ग्रफली आगे तो बताओ क्या चल रहा है अब तो उसने बोल लेते हैं टैक्स का टैक्स तो अच्छा कर लेना मतलब शॉर्ट में जी